वेलकम। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, सबको जैसे कि सलाम। प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि मैं वर्ल्ड विजन की मीटिंग के लिए गया था चेन्नई, आज ठीक समय में वापस आ गया था। तो जिन्होंने मेरे लिए दुआ किया था उनके लिए मैं कहूंगा थैंक यू, क्योंकि आई थैंक यू फॉर प्रेइंग। फ्लाइट में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ और मैं सही सलामत और सही समय पर अमृतसर में पहुंच गया था। अभी प्री वर्शिप में हम क्राइस्ट चर्च कैथेड्रल अमृतसर के जो कुछ सिस्टर लोग हैं उनका गाना सुनेंगे। ये गाना सबको आता है और इसके साथ साथ आप भी गा सकते हैं। जो हमारे सामने जो थीम है वो क्रूस है, क्रॉस। क्रॉस इज सेंट्रल टू क्रिश्चियन फेथ। हमारा जो मसीह विश्वास है उसके केंद्र में क्रूस है। और मैं पढ़ा था बिलिग्राम क्रॉस के ऊपर बहुत कुछ कहा है। एक उनका कोट जो है वो मैं पढ़ के सुनाता हूं। द क्रॉस इज द ओनली वे ऑफ सल्वेशन। मैं रिपीट कर रहा हूं, द क्रॉस इज द ओनली वे ऑफ सल्वेशन एंड द क्रॉस गिव्स ए न्यू पर्पस टू लाइफ। कि
मुक्ति के लिए, उद्धार के लिए क्रूस एक ही उपाय है, और क्रूस जो है वो जीवन में एक नया आशा और नया उद्देश्य देता है। इसके साथ आज की इबादत हम शुरू करेंगे। देखिए हमारी जो चर्च की घंटी हमें बुला रही है, और जबकि हम घंटी की आवाज सुनेंगे उसके साथ साथ हम अपने आप को तैयार करेंगे। उसके बाद मैं विनती करता हूं कि रेवरेंट आइव डैनियल, जो कि चेयरमैन ऑफ एमएसएस, वो प्रार्थना करेंगे और उसके बाद इस इबादत को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज के दिन में इस वर्शिप सर्विस को एमएसएस के भाई बहनों के बहने वो लीड करेंगे। द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्रॉम एमएसएस विल बी लीडिंग टुडेस वर्शिप। सो आई आफ्टर द चर्च बेल Reverend I. Daniel will pray and then he will continue to lead. Pita Parmeshwar, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस बहुत ही खूबसूरत दिन के लिए, और विशेषकर इस अवसर के लिए जो तूने आज एक बार फिर से हमारे जीवन में हमें दिया कि हम तेरी आराधना के लिए, तेरी प्रस्तुत, तेरी महिमा के लिए इस मीडियम के जरिए से इकट्ठे होने पाए, एक दूसरे के साथ जुड़ने पाए हैं। प्रार्थना करते हैं कि तू इस तमाम कार्यवाही के बीच में हमारा हादी और मददगार हो, होने दे के इस सिस्टम में किसी तरह की कोई भी कमी और घटी इबादत के दौरान ना आए, किसी भी तरह की कोई शैतानी जो युक्ति है उससे तो इसे दूर रख, ताकि ये मौका हम सब के लिए वाकई तेरी शिक्षाओं को सुनने का, मानने का, सीखने का हम सब के लिए मौका बने, जिससे हमारी रूहानी तरबियत होने पाए, हम तेरे वचन की तरफ ध्यान लगाने पाए, जिसमें ये फरमाया गया है कि वो धन्य है मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग से चलता है, और ना ही ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। होने दे पिता कि हम तेरी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान रखें, हम उस क्रॉस की तरफ जो जिसके ऊपर आसमानी पिता हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान किया, उसकी तरफ ध्यान देते हुए अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ें और एक फलदार जीवन व्यतीत करें। सब कुछ मांगते तेरे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। बहनों और भाइयों, ये वक्त होगा कि हम एक गाना सुनेंगे, गीत सुनेंगे, जबूर है एक्चुअली, और खुदाया तेरी रूह तो मैं बच के किधर जावा, और इसमें हमारी अगुवाई करेंगे पास्टर पीटर हंस। ये जबूर हम सबको आता है और इसलिए हम सब अपने अपनी जगह पे इसमें अपने अपने तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई रिक्वेस्ट द कम्युनिकेशन टू पुट पास्टर पीटर हंस ऑफ द स्क्रीन। प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम दे विच सबकी सलामती हो। आइए हम मिलकर एक जबूर गाएं। जब हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं 139 जबूर, उसमें परमेश्वर का दास दाऊद कहता है कि मैं प्रभु तेरे आत्मा से भाग कर कहाँ जाऊँ। आइए हम मिलकर इस जबूर को गाएं। मेरा हाल पछाणदा है, ओ मेरा उठना मेरा बैठना सब कुछ तू ही जानदा। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला न सके,
God bless you all. हम पास्टर पीटर हंस का धन्यवाद करते हैं इन शब्दों को, इस ज़बूर को बहुत ही सुंदर और मीठे अपने बोल के द्वारा आप सबके सामने प्रस्तुत करने के लिए, और हम ये इस बात के ऊपर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमेशा हमारे इर्द गिर्द रहता है और हम उसकी नजर से कभी भी बचकर नहीं जा सकते, ओझल नहीं हो सकते। प्रिय मसीह में प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन हमें ये भी बताता है कि अगर हम ये कहते हैं कि हम बेगुनाह हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं, लेकिन ये आश्वासन भी देता है कि अगर हम अपने पापों का इकरार करते हैं, अपने गलतियों और गुनाहों को मानते हैं और उनसे सच्चे दिल से तौबा करते हैं तो वो हमें मुआफ भी करता है। इसलिए आइए हम अपने गुनाहों का इकरार करें, और इसमें हमारी अगुवाई करेंगी मिसेस मीना विलियम, जो हमारा कन्फेशन ऑफ सिंस है उसके बीच में, और उसके बाद बिशप साहब
जो माफी का आश्वासन है वो हमें उससे असुदा करेंगे। This is Meena। आइए हम सब मिलकर अपने पापों का अंगीकार करें। ए परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। ईसा नबी की पुस्तक में लिखा गया है, द बुक ऑफ Isaiah chapter 55 verse 7, let the wicked forsake their ways and the unrighteous their thoughts. Let them turn to the Lord and he will have mercy on them, and to our God, for he will freely pardon. जब दुष्ट अपना पद से वापस आकर धर्मी बनना चाहता है, धर्म के काम में वो अपने आप को लगाता है, और जब वो खुदा के प्रति मुड़ता है तो खुदा उसके ऊपर रहम खाता है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। और ये जो उद्धार हमें परमेश्वर करता है वो हमें फ्रीली करता है। इसलिए प्रार्थना करें, हे सर्वशक्तिमान और दयालु पिता परमेश्वर, हम जो तेरे बच्चे हैं आज तेरे जाकि सिंहासन के सम्मुख आए हैं, हमें इस बात का पक्का विश्वास है कि तू हमें बहुत प्यार करता है। और ये भी हम जानते हैं कि चाहे हम कितने भी चाहते हैं, कोशिश भी करते हैं, पर हम तेरे रास्ते से हट जाते हैं। गॉड, वी सो ऑफ्टन गेट लॉस्ट, वी गो एस्ट्रे फ्रॉम योर वेज एंड वी सिन एंड सिन एंड सिन। पर ये हम जानते हैं कि हमें वापस आना ही है, क्योंकि तू ही हमारा उद्धार का रास्ता है। तेरा पुत्र यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस के ऊपर देकर हमारा उद्धार किया है। इसलिए प्रार्थना करते हैं कि हमारे सब पापों से हमें छुटकारा दे, हमें एक नया जीवन जापन करने के लिए, जीवन सुधारने के लिए अनुग्रह दे, हमें पवित्र आत्मा की समझ से हमें परिपूर्ण कर, ताकि जो हम करना चाहते हैं हम कर पाए। पवित्र आत्मा के समझ से हमें बल दे, शक्ति दे, और तेरा अनुसरण करने के लिए हमें प्रोत्साहित कर। आमीन। थैंक यू विशु साहब। प्रिय भाई और बहनों, ये वक्त है परमेश्वर की महिमा और स्तुति करने का, क्योंकि परमेश्वर ही स्तुति के योग्य है। उसी ने हमें हमारे सारे अपराधों से, गलतियों से, गुनाहों से बचाया है और हमारे लिए सदीपक जीवन का रास्ता खोला है, इसलिए वो महिमा के योग्य है। और इस आज की इस आराधना के अंदर ये जो है प्रेज और वर्शिप के इस हिस्से में अटारी एरिया के बच्चों की एक टीम तैयार की गई है, जो आज एक कवाली के जरिए से परमेश्वर की महिमा और स्तुति करेंगे। कवाली इंडिया के अंदर भी और पंजाब में हम जहाँ तक जानते हैं काफी एक वक्त में मशहूर जरिया होता था, जिसके जरिए से परमेश्वर की महिमा की जाती थी। धीरे धीरे ये ऐसे लग रहा था कि अलोप हो रही है, लेकिन आज ये बच्चे पटारी एरिया से, जो भिन्न भिन्न जगह से, हो सकता है मुद्द कोकर, भिंडी सैदान, नव जीवन है, शुरा है, इस एरिया से लिए गए हैं, तो वो एक कवाली हमारे सामने
प्रस्तुत करेंगे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर की महिमा के लिए मसीह की वाणी बोलेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद सारी दानी का बना 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 बना
बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत ही बढ़िया मीठी आवाज में, अच्छे सुरताल में इस क्वाली को परमेश्वर की हमद और धना के लिए आप लोगों ने प्रस्तुत किया। परमेश्वर आपको बहुत सारी और भी बड़ी बड़ी आशाएं दे, उसकी महिमा के लिए आपको और भी अच्छे तरीके से बहुतायत के साथ वो आपको इस्तेमाल करें। अभी ये वक्त होगा कि हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे, और परमेश्वर का वचन हमारे लिए आज पढ़ा जाएगा मुकद्दस मरकुस की अंजील, उसका 9वां अध्याय, उसकी 30वीं आयत से लेकर 41वीं आयत तक हमारे सामने पढ़ा जाएगा, और इसको हमारे सामने पढ़ेंगी मिसेस रजनी सोहता, जो एपिफनी चर्च पटाला की सदस्य हैं, मेंबर हैं, वो हमारे सामने परमेश्वर का वचन लाएगा। पवित्र बाइबल में से पढ़ा जाएगा मरकुस की अंजील, उसका 9 अध्याय 30 से 41। फिर वे वहां से चले और गलील में होकर जा रहे थे, और वे नहीं चाहता था कि कोई जाने, क्योंकि वे अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता था कि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे, और वे मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। पर ये बात उनकी समझ में नहीं आई, और वे उससे पूछने से डरते थे। फिर वे कफरनहूम में आए, और घर में आकर उसने उनसे पूछा कि रास्ते में तुम किस बात पर विवाद करते थे। वे चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में ये वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है, वे मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता वे मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। तब यूहन्ना ने उससे कहा, हे गुरु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा और हम उसे मना करने लगे, क्योंकि वे हमारे पीछे नहीं खोद लेता था। यीशु ने कहा, उसको मत मना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके, क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं वे हमारी ओर है। जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा। ये प्रभु का वचन है, इसके पढ़े सुने और ग्रहण किए जाने पर उसकी आशीष हो, आमीन। फिर से धन्यवाद बहन रजनी, परमेश्वर का वचन हमारे सामने पढ़ने के लिए। और मैं अब इनवाइट करूंगा पादरी राजकुमार से कि वो आज के वचन की प्रस्तुति के लिए और जो हमारे आज के प्रीचर हैं उनके लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया कि प्रभु जी हम आपके सामने आ सकें, आपकी आवाज को सुन सकें। खास करके आज के वक्ता को हम आपके सामर्थी हाथों में देते हैं, प्रभु आप उन्हें अपने हाथों में लेकर इस्तेमाल करें, और जब वो आपके वचन से बातचीत करते हैं आप हमारे हृदयों को खोल दें कि हम उसको रिसीव करने वाले हो सकें और उसके अनुसार अपने जीवनों को बना सकें प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, जब तेरी आवाज़ को सुने हम उस प्रभु आवाज़ के अनुसार अपने जीवनों को चलाकर तेरे राज्य की बढ़ोतरी का एक कारण बन सकें प्रभु जी। एक बार फिर से आज के वक्ता को आपके सामर्थी हाथों में देते हुए ये विनती अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। ये जैसे आप सब जानते हैं कि आज के जो प्रीचर हैं डॉक्टर रेवरेंड डॉक्टर पीसी गायन हैं, तो शुरू से हमारे साथ जुड़े रहे हैं। तो मैं बिशप साहब को ये तो नहीं कहूँगा कि उनको इंट्रोड्यूस करें, बट दो शब्द कह के उनको इनवाइट करें आज का परमेश्वर का वचन हमारे साथ। वेलकम डॉक्टर गायन, आई डोंट थिंक आई नीड टू गिव एनी इंट्रोडक्शन, दैट विल बी एन इंसल्ट।
because you have been part of this family since long. हम डॉक्टर गायन का धन्यवाद करना चाहते हैं, सिर्फ हमारे संडे वर्शिप पे नहीं पर हमारे जो मंथली बाइबल स्टडी उसमें भी वो हमारी मदद करते हैं। और आज तक ऐसे नहीं हुआ कि कभी भी हमने उनसे कहा कुछ करने के लिए उन्होंने ना बोल दिया। इज ऑलवेज विलिंग एंड रेडी टू डू एनीथिंग फॉर अस। इसलिए दिल से मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और इस समय सबसे विनती करता हूँ कि देखिए जब हम सरमन सुनते हैं, क्योंकि ये वर्चुअल है, तो जो पिक्चर है वो ना आपको फेस टू फेस देख पाते हैं ना आप उनको, पर जो जो सब कुछ होता है स्क्रीन पे होता है। तो कम से कम आप अपना कैमरा ऑन करें तो उनको लगेगा कि आप सिर्फ कनेक्ट करके, ये नहीं कि खाना पका रहे हैं कि बेड में सो गए हैं कि क्या कर रहे हैं, ये तो जानना बिल्कुल असंभव है। तो आप ये प्रूव करना चाहते हैं कि नहीं नहीं आप बहुत अटेंटिवली सुन रहे हैं, तो फिर अपना कैमरा ऑन कीजिए। आप मुझे एक घंटा जो खुदा के लिए देना है वो खुदा के लिए देना है और किसी के लिए नहीं देना है। एंड इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे इवन इंक्लूडिंग क्लर्जी, बहुत सारे क्लर्जी भी अपना कैमरा ऑफ करके रखे हैं। आई डोंट नो द रीजन। सो टू दैट विल बी अ रियल वेलकम टू रेवरेंड डॉक्टर गायन कि हम उनको कह सकते हैं कि यस वी आर रेडी। डॉक्टर गायन, नाउ इट इज योर टाइम। थैंक यू बिशप फॉर द नाइस वर्ड। थैंक यू रेवरेंड अयूब डैनियल for welcoming me. Thank you all presbyters and the congregation joined in this online worship. And my special thanks to communication team for taking the trouble to connect each one of us, even though we are spread far and wide, but you have connected us. Thank you so much. I take this great opportunity to thank our dear God for providing us this opportunity. May God bless us as we are taking this time to worship Him and as we are gathered together. And my special thanks to Reverend Vijay Kumar, without whom I cannot really communicate the things in the right direction. So welcome and thank you, Reverend Vijay Kumar. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि जिसने आज हम सबको ये मौका दिया कि हम खुदा की इस हजूरी में एक साथ मिलकर इकट्ठे हो सके। बिशप साहब का, रणा यूब डैनियल का और कम्युनिकेशन टीम का जिसने हमें ये जोड़ा, और हमारे पिता परमेश्वर का कि आज हम सब मिलकर खुदावंत की महिमा के लिए एक जगह पर इकट्ठे होकर प्रभु की आराधना कर रहे हैं। As Bishop has already declared, and also we have seen in the almanac, and also in our communication team message, the theme for today's worship is Lesson of the Cross for Daily Life. जैसे हमने आज के हमारे जो एल्मनक का थीम हमने देखा है कि जो आज का थीम हमारे लिए लिया गया है कि क्रूस का संदेश हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए। इफ वी आर कंसर्न्ड अबाउट द एल्मनक एंड देन वी वुड सी दैट देयर आर फोर टेक्स्ट्स, टू फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट एंड टू फ्रॉम द न्यू टेस्टामेंट, एंड इफ वी लुक एट दोज फोर टेक्स्ट्स we would find there are five lessons, I mean the five messages, but we would be concentrating on the gospel message. और हमारे आज के जो मनन के लिए अगर हमने देखा है तो चार जो अध्याय अलग अलग बाइबल के हिस्सों में से लिए, दो पुराने नियम आयतनामे से और दो नए आयतनामे से, परंतु अभी के मनन के लिए हम सुषमाचार में से जो हिस्सा हमारे बीच में पढ़ा गया उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। Now, when we look at these four texts and then we try to see what is the
hidden message in the interlinked passages, we would find there are at least 8 messages for all of us. और आज का जो अध्याय हमारे लिए पढ़ा गया, अगर उसमें हम ध्यान से देखें तो हमारे लिए तकरीबन 8 संदेश इस जगह पर हम पाते हैं. First one is that sovereign Lord is in non-stop action, in non-stop action for all. और हम देखते हैं कि जो हमारा परमेश्वर है वो लगातार हमारे लिए कार्य कर रहा है. Number 2, the Lord entrusts humans to choose their leaders. और दूसरा कि परमेश्वर अपने लोगों की अगुवाई करता है ताकि वह अपने लिए अगुआ चुन सके. Number 3, the Lord implants and gives growth. और तीसरा कि परमेश्वर की हजूरी में जो कुछ भी बोया जाता है परमेश्वर उसमें उसकी बढ़ोतरी करता है. The fourth one, the Lord knows his own plan and executes accordingly. और जो उसके बाद का चौथा है कि परमेश्वर अपनी योजनाओं को जानता है और वो अपने तरीके से उसको आगे चलाता है. Then number 5, the Lord loves his people to love one another in peace. और परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है और वो चाहता है कि उसके लोग एक दूसरे से प्रेम करें, शांति में प्रेम करें. Number 6, the Lord continues to give growth which others may not like. और जो छठा बात है कि परमेश्वर उन्नति देता है और हो सकता है कि दूसरे लोग इसको पसंद ना करते हो. 7 is the Lord's children have 2 identities. One is for the self and the other one is for others. और सातवीं बात कि परमेश्वर के बच्चों के लिए 2 प्रकार की जो उनकी पहचान है, पहली उनके लिए और दूसरी दूसरे लोगों के लिए. And the last one is, it is our duty to find out where we stand in our identities in relation to the Lord. और आठवीं और आखिरी बात कि ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम परमेश्वर में अपनी पहचान को ढूंढें और हम खुदा के साथ हमारा रिश्ता क्या है उसे हम पहचानें. So we find that we have 4 texts, 5 messages, and when we interlink this 4 texts, then we find the 8 resolutions, and from there we come into one principle. और हमारे पास आज के लिए 4 जो हिस्से थे बाइबल में और उसके 8 संदेश हैं और इस तो सब मिलकर एक बात के लिए हमें आपस में जोड़ते हैं और उस बात के ऊपर हम अपने आप को हम ध्यान दें कि आखिर कौन सी बात है जिसके लिए खुदा हमें जोड़ता है. And so we summarize it in one caption, the message of the cross for our daily life, like this: a child versus the child. और हम जो इन सबको देखते हैं तो ये हमें एक थीम की और एक निर्देश की और हमें लेके जा निशाने की ओर लेके जाता है. वो ये है कि जो क्रूस का जो संदेश है वो हमारे रोजमर्रा की जीवन के लिए और परमेश्वर का बच्चे होने के नाते एक संतान और उसकी अहम संतान के बारे में हम देखते हैं. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन a child and the child in our Indian languages. But please do not feel that I am going to take some language class now. और हम जानते हैं कि हमारी जो इंडियन भारतीय भाषा है उसमें इस कॉन्सेप्ट को इस मतलब को समझना आसान नहीं है और आप मुझे गलत मत समझिएगा. मैं कोई आपकी इंग्लिश की क्लास नहीं लेने के लिए जा रहा हूँ. What
we have to see the word child from two perspectives. One is indefinite and the other one is definite. और हमें जो बच्चे के बारे में हमें जो समझने की जरूरत है और वो ये हमें समझने की जरूरत है कि हम किस प्रकार से इसकी रूपरेखा को हम समझते हैं. And in order to understand this concept of child, we will look into the message of Jesus as we found in today's text from St. Mark's Gospel, chapter 9. And then the other text we will see from St. Paul's text when he writes to his people. और इस बात को समझने के लिए कि इसकी क्या परिभाषा है और जैसे हमने मरकुस की अंजील में से हिस्सा पढ़ा और उसके बाद हम पौलुस के द्वारा जो लिखा हुआ खत है उसके बारे में देखेंगे कि परमेश्वर का वचन इसकी क्या परिभाषा आज हमें देता है. Now when we look at Mark chapter 9 verses 36 and 37, Jesus, Mark describes, then he, that is Jesus, took a little child and put it among them. And then in verse 37, it says, that is the statement of Jesus, whosoever welcomes one such child, that is the little child, such child in my name, and then he continues, he welcomes me. और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक बच्चे को लिया और उन चेलों के बीच में उसे रख दिया और कहा कि जो कोई इस बच्चे के समान बने, और दूसरा उसने कहा है कि जो कोई ऐसे बच्चों को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है. If we take another case of this indefinite child, from John's Gospel, chapter 6, verse 9, where Jesus multiplied 5 loaves and 2 fish, and we see there, John describes the narration, stating that there is a boy here who has 5 barley loaves and 2 fish. और यहूना के अंजील उसका 6 अध्याय उसके 9 वचन में एक और बच्चे के बारे में हम वहां पर देखते हैं और जिसकी कोई भी पहचान वहां पर नहीं बताई गई है, और उस बच्चे के विषय में जब हम देखते हैं तो यहूना उसे इस प्रकार से बयान करता है कि उसके पास 5 रोटी और 2 मछली है. And if we are interested to see what kind of language Jesus used, now in our translation and in our Indian languages, it may not have or might not have come in a distinct way. But in Greek, it says paidion. Paidion means any child, pick up any child, a child of any origin, any color, any creed, any condition, physical condition, emotional condition, mental condition, spiritual, social, national condition, anything. So paidion is like that, a child of any sort. और अगर हम इस बच्चे के बारे में देखें जिसकी कोई पहचान नहीं लिखी गई है, कोई बयान नहीं किया गया है, उसका अर्थ ये हमें बताता है कि कोई भी बच्चा ले लो, चाहे किसी भी भाषा बोलने वाला हो, कहां का भी वो रहने वाला हो, और कैसी भी उसकी हेल्थ कंडीशन, उसकी शारीरिक या फिर उसकी भावुक या फिर मानसिक या आत्मिक, चाहे कैसी भी परिस्थितियों, किसी भी बच्चे को तुम ले लो. So what we see in Jesus that he breaks down the barrier of language, culture, of any kind of boundary. He breaks it up. और हम यहां पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हर प्रकार के बंधनों को तोड़ता है, चाहे वो किसी भी प्रकार के बंधन क्यों ना हो. Now we come to St. Paul and let's see what he talks about. और हम अभी पौलुस के बारे में देखेंगे कि वो इसको किस प्रकार से बयान करता है. I wish I take plenty of examples from St. Paul's epistles, but I will take only
three verses to explain how Paul talks about from 1 Timothy, from 2 Timothy, and from Titus. And only three occasions I will take. और मेरी इच्छा थी कि मैं पौलुस की पत्रियों में से बहुत सारी ऐसे बातों को लेकर आपके बीच में उसे रख पाऊं, परंतु मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा और मैं सिर्फ जो पहला तिमोथी और दूसरा तिमोथियस और तीतुस की पत्री में से कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। And Paul using the word technon. Technon is to claim my own child. और पौलुस एक शब्द का ग्रीक शब्द का इस्तेमाल करता है जिसको बोलते हैं टेक्नॉन और जिसका अर्थ है कि मेरा खुद का जो बेटा। सो इन फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 2 एंड आल्सो सेकंड तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 2 पॉल सेज माय लॉयल टेक्नॉन दैट इज माय लॉयल चाइल्ड इन फेथ माय बिलवड टेक्नॉन. And then in Titus, he says, my loyal Technon child in the faith we share. और पहला तिमोथियस उसका पहला अध्याय उसकी दूसरी आयत और दूसरा तिमोथियस उसका पहला अध्याय दूसरी आयत और इसमें पौलुस जो तिमोथी को ये कह के बुलाता है कि मेरा जो वफादार पुत्र मेरा वफादार बच्चा. I know that we all know that Paul was not married. So there is no question that he had any child. But he is using frequently the word technon, my child. Timothy has nothing to do with his blood. Titus had nothing to do with his blood. But he is claiming my little child. और हम सब जानते हैं कि पौलुस शादीशुदा नहीं था परंतु वो बार बार इस शब्द को इस्तेमाल करता है जब भी वो तिमोथियस के साथ बात करता है या टाइटस के साथ बात करता है कि मेरा वफादार बेटा. सो व्हाट ही इज ट्राइंग टू से दैट फेथ इन क्राइस्ट डिराइव्स एंड डिक्टेट्स आवर रिलेशनशिप विद वन अनदर. और वो क्या दर्शाना चाहता है कि मसीह यीशु में जो हमारा विश्वास है वो हमें एक आगे की ओर बढ़ाता है और जो हमारा अधिकार है जो हमारा रिश्ता है एक दूसरे के साथ उसको और भी गहरा प्रमाणित करता है. सो पॉल इंट्रोड्यूसेस ए फैमिली रिलेशनशिप बिटवीन फादर डॉटर मदर सन एटसेट्रा थ्रू दैट टेक्नॉन वर्ड दैट लिटिल चाइल्ड. और पॉलुस इस रिश्ते को बाप और बेटी और माँ और बेटे के रूप में वो बयान करता है कि मेरा प्रिय बच्चा. सो ही क्लेम्स देन दैट नोबडी इन दिस वर्ल्ड इज ऑर्फन नोबडी इन दिस वर्ल्ड आल्सो इज चाइल्डलेस इफ दे शेयर द सेम फेथ इन क्राइस्ट. और पौलुस इनके बार दोबारा वो ये हमें दर्शाना चाहता है और सिखाना चाहता है कि अगर हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है तो इस संसार में जो विश्वास रखते हैं वो कोई भी अनाथ नहीं है और कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास कोई संतान नहीं है. सो नाउ श्योरली वी मस्ट बी बबलिंग विद अ क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज वेयर डिड यू पॉल get this idea of universal parenthood. और हम सब ये सवाल अपने आप से भी पूछते होंगे कि पौलुस को ये जो विचार है कि पूरे समस्त संसार में ये पालन पोषण या पेरेंट का माँ बाप का ये उसके पास कहां से ये विचार आया. Where did you get the concept of belongingness to the family of Christ? और मसीह के परिवार में ये अपनेपन का जो विचार है ये कहां से उसे आया. एंड पॉल्स सिंपल आंसर इज क्रॉस ऑफ जीसस इज द एपिटोमे द मॉडल ऑफ लव एंड द फैमिली. और पॉलुस का एक सिंपल सा साधारण सा जवाब था कि प्रभु यीशु मसीह का क्रूस
जो हमें प्रेम करने और क्षमा करने की ओर संकेत करता है. And we know the seven words that have been pronounced from the cross. Number one is, Father, forgive them, for they know not what they are doing. And number two, और हम जानते हैं कि जो सात क्रूसवाणियां प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकली कि पिता इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं. And number two, today you shall be with me in paradise. और दूसरा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा. They were not from the same faith at all. और वो दोनों एक विश्वास में से नहीं थे. Then how can you, Paul, say that faith in Christ brings us into one relationship? और फिर पौलुस कैसे कहता है कि मसीह यीशु में हमारा विश्वास हमें एक रिश्ते में बांध देता है. But the cross of Jesus, the message of the cross tells us that the whole world is a family. The whole world is a family of God because the world was created by God. और सलीब का संदेश और सलीब का मकसद हमें यही बताता है और दिखाता है कि पूरा संसार परमेश्वर का एक परिवार है और समस्त संसार एक परिवार की तरह परमेश्वर के परिवार की तरह रहता है. So the message of the cross that is for us is that we are not a stranger. We are related to one another. We think for one another. We belong to one another. और सलीब का संदेश हमें ये आज बताता है कि हम अजनबी नहीं हैं, हम एक परिवार हैं, हम एक दूसरे के साथ संबंधित हैं और हमारी एक दूसरे के साथ पहचान है. So in one hand, Saint Paul, and on the other hand, our Lord Jesus Christ, defining the relationship through a child versus the child as a challenge before us. What should be our response then? और पौलुस और दूसरी हाथ हमारा प्रभु हमें इस बच्चे की उदाहरण के द्वारा ये हमें सिखाने के लिए चाहता है कि हमारा इसके प्रति बच्चों के प्रति क्या नजरिया है. And we have six possible responses from us. और हमारे लिए हमारे सामने कुछ छह प्रकार के जवाब हैं जो हम अपने सामने जिसको रख सकते हैं. नंबर वन रिस्पॉन्स, आवर कमिटमेंट टू द कॉल ऑफ जीसस इज आवर रिस्पॉन्स. प्रभु यीशु मसीह के प्रति जो हमारी कमिटमेंट है, हमारा जो बंधन है, उसको वो हमारा एक रिस्पॉन्स हो सकता है, हमारा एक जवाब हो सकता है. नंबर टू, आवर डीलिंग विद अदर्स इन आवर डिसीजन इज आवर सेकंड रिस्पॉन्स. और हमारा दूसरा जो जवाब ये हो सकता है कि लोगों के साथ हमारा जो रिश्ता है, हम किस प्रकार से उनके साथ संबंधित हैं, ये हमारा एक निर्णय हो सकता है. Number three, our belongingness to one another and in our identity is our third answer. और तीसरा कि हमारा लोगों के साथ जो अपनापन है, ये हमारी एक पहचान हो सकती है, जो आज हमारा तीसरा जवाब हो सकता है. Next, our identity with the person on the cross who gave us life is our fourth response. और हमारा चौथा जवाब कि हमारी प्रभु यीशु मसीह के साथ जो क्रूस के ऊपर लटके हुए यीशु के साथ हमारी क्या पहचान है जो हमें जीवन देता है, ये हमारा चौथा जवाब हो सकता है. Next, our life and the style of living with a life that shed blood for us can be our fifth response. हमारी जिंदगी और वो जिंदगी जिसने हमारे लिए अपना लहू बहाया, उसके साथ हमारा जीवन, ये हमारा पांचवा जवाब हो सकता है.
एंड द लास्ट दैट वी सी द क्रिएटेड वर्ल्ड इज आवर फैमिली. वी आर नॉट होमलेस. वी आर फॉर ऑल. ऑल आर फॉर अस. वी बिलोंग टू वन अनदर. हमारा जो छेवां जवाब ये है कि परमेश्वर का जो पूरी सृष्टि उसका परिवार है और हम बेघर नहीं हैं. हमारा एक दूसरे के साथ मिलना और एक दूसरे के साथ रहना हमारा छेवां जो जवाब हो सकता है. वी थैंक गॉड दैट इन क्राइस्ट थ्रू द क्रॉस गॉड हैज यूनाइटेड अस. और हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा उसकी सलीब के द्वारा हमें जोड़ा है और हम एक हैं. May the living Lord continue to live within us now and always. Amen. और जीवित परमेश्वर हम सबके साथ अब और हमेशा रहे. Amen. God bless you and thank you Bishop and thank you Reverend Vijay and thank you all present here. God bless you all. Amen. Thank you, Reverend Dr. P.C. Gayan, for this beautiful message. The cross is the factor which unites us all into one family, and we get a sense of belonging to each other, the larger family. You have given us this very beautiful thought this afternoon. We thank God and we thank you for giving this very beautiful message. And now this is the time to affirm our faith in God and our Lord Jesus Christ. And I request Brother Christopher from the village Shahpur Jajan to lead us in the confession of faith. मैं मानता हाँ सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जिहड़ा आकाश अते धरती दा सिरजनहार है. नाले मैं मानता हाँ उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु मसीह नूं जिहड़ा पवित्र आत्मा की शक्ति नाल गर्भ विच आया कुआरी मरियम तो जमया उसने पैंतुस पिलातुस दे राज विच दुख उठाया उस सलीब दिता गया मर गया अते दफनाया गया वह मुरद्या के जहान विच उतरिया अते तीजे दिन मुरद्या विचों जी उठिया वह स्वर्ग चला गया अते परमेश्वर पिता के सज्जे हाथ बैठा होया है जिथों वह जिउंद्या अते मुरद्या दे न्याय लई फिर आवेगा. होर मैं मानता हाँ पवित्र आत्मा नूं पवित्र कुल कलीसिया नूं पवित्र लोगों की सात संगत नूं पापा की माफी दे दे जी उठन नूं आमीन. थैंक यू ब्रदर क्रिस्टोफर भाई, आपका धन्यवाद करते हैं. और अभी ये वक्त होगा, आगे बिशप साहब हमारी अगुवाई करेंगे. आज के लिए जो जरूरी सूचनाएं हैं आने वाले दिनों के लिए. थैंक यू रेवरेंड डैनियल. मैं फिर जो बाद में ज्वाइन किए और जो शुरू से हैं सबका स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं. धन्यवाद इसलिए कहता हूं क्योंकि आप यहाँ आना और ज्वाइन करना हमारे लिए डायसिस के लिए बहुत अहम बात है. और उसका एक कारण है कि हम आत्मिक रूप से इस सर्विस से हम खुराक लेते हैं और बल पाते हैं. पर और एक भी कारण है कि ये सर्विस हमें एक करता है. आज जैसे कि हम एकता की बात सुन रहे हैं, क्रूस ना होता तो हम कहाँ होते. और इसलिए ये बहुत अहमियत रखता है कि हम चाहे कितने भी बिजी हों. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि कल सब कह रहे थे कि आप संडे को क्यों ट्रैवल कर रहे हैं, संडे यहाँ चेन्नई में मद्रास में आप सर्विस अटेंड करो और तीन चार इनविटेशन आ गया कि हमारे चर्च में आप प्रीच भी करो. तो मैंने कहा कि देखो मार्च लास्ट है, मार्च से अब तक खुदा ने हमें इस मौका दिया है कि हमने एक भी संडे मिस नहीं किया है. और ये मेरी इच्छा है कि मैं कहां भी हूं
चाहे अमृतसर में हूं, इंडिया में हूं, इंडिया के बाहर भी हूं, तो ये संडे को मैं मिस नहीं करूंगा और खुदा ये होने दिया है। सो क्योंकि इसे इतना आनंद मिलता है, इसको मैं मिस नहीं करना चाहता हूं। आज मैं कहा था कि सारे जो क्लर्जी से कहा था कि सबसे विनती करें जो 20 लोगों के लिए हम प्रेयर करते हैं उनका नाम लेके हम आए, और मुझे पता नहीं कि हम नाम लेके आए कि नहीं है, पर जब इंटरसेसरी प्रेयर के एंड में मैं चाहूंगा कि रेवरेंट आई जरूर हमें कहेंगे कि हम एक मिनट जो है इन 20 लोगों के लिए एक या दो मिनट हम प्रार्थना जरूर करें, और नेक्स्ट संडे उसको हम फिजिकली दिखाएंगे लिस्ट को। तो एडवांस नोटिस है, जो 20 लोगों का नाम लेकर आप दुआ कर रहे हैं उनका नाम लिखकर कागज में आप नेक्स्ट वर्शिप में लाएंगे। आज मैं कहा था पर आई एम नॉट श्योर, इसलिए आज से हम दुआ करेंगे, बट नेक्स्ट संडे हम उसको एक दूसरे को दिखाएंगे और वो कागज रख के कागज के ऊपर हाथ रखकर हम प्रेयर करेंगे। 30 सितंबर ना भूलिए, जो बाइबल स्टडी से आनंद उठाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जैसे कि आज का सरमन मेरे लिए तो इतना अच्छा था, सो इंक्लूसिव और सो ब्यूटीफुल, मुझे लगता था कि कम से कम और एक घंटा मिल जाता कि हम वचन सुनते। तो 30 सितंबर को बाइबल स्टडी हम करने जा रहे हैं, और पहला पत्रस 2:11-3:7 तक, इसको आप जरूर पढ़कर आइए बाइबल स्टडी में ताकि आप प्रिपेयर रहेंगे। और एक अनाउंसमेंट है, दिस अ वेरी हैप्पी अनाउंसमेंट, क्योंकि सीएनए डे जो कि नवंबर 29 को है, उसके लिए हमारी तैयारी है कि हम पूरे डायसिसन लेवल पे कंपटीशन करवा रहे हैं, ऑफ कोर्स DWFCS वो भी अपना कर रहे हैं, पर इसमें हो सकता है कि मोस्ट टीम्स पंजाब के हो सकते हैं पर लिमिटेड नहीं है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। भांगड़ा गिद्दा कंपटीशन, उसमें जो बोलियां वो ओरिजिनल होंगी, और ये चर्च वाइज होगा, सबसे पहले एरिया वाइज कंपटीशन होगा, फिर जो एरिया से स्क्रीन होकर ऊपर आएंगे, फिर वो डायसन कॉन्फ्रेंस लेवल पे होगा एंड देन डायसन लेवल पे होगा, ताकि 29 नवंबर को जो है वो फाइनल होगा उस दिन। बाकी एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट हमारे यूथ फेलोशिप के द्वारा किया जा रहा है, और वो भी ऐसे चर्च टीम, ये नहीं कि आप उसके लिए कहां से इनवाइट कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं, जो हमारे चर्च के मेंबर्स हैं वही मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इट इज चर्च वाइज, और उसमें जो सेम मेथड की लोकल, उसके बाद एरिया, उसके बाद कॉन्फ्रेंस एरिया, फिर डायसन लेवल। सो अभी से तैयार हो जाइए, और इसके लिए अच्छे अच्छे प्राइज, फर्स्ट प्राइज इज 10,000 रुपीज, सेकंड प्राइज इज 7,500 रुपीज, और थर्ड प्राइज इज 5,000 रुपीज। तो एंड देन ऑफ कोर्स कंसोलेशन प्राइज, एंड इसके साथ साथ उनको सर्टिफिकेट और बाकी भी इनाम मिल सकता है। सो अभी से आप तैयार हो जाइए एंड गेट द टीम्स रेडी। थैंक यू जो फर्स्ट टाइम आज आए हैं, विशेष रूप से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, और प्रार्थना कीजिए कि अभी भी जो कोरोना में अफेक्टेड हैं और कोरोना का जो इम्पैक्ट जिनके ऊपर है, जिसकी वजह से उनकी नौकरी नहीं है और इनकम नहीं है, हम उनके लिए खास दुआ करें ताकि जल्द से जल्दी कोरोना खत्म हो जाए, क्योंकि यहाँ तो पंजाब में मैं देखता हूँ कि हम ऐसे बिहेव करते हैं कि कोरोना नहीं है, पर मैं चेन्नई गया था और वहां
बाकी स्टेट्स के लोग आए थे, उनसे पूछ रहा था कि अभी भी बहुत सारे स्टेट्स में लॉकडाउन है, कर्फ्यू है, पार्शियल कर्फ्यू है, तो उस हिसाब से तो अभी भी स्थिति गंभीर है, तो हमें इसलिए सतर्क रहना पड़ेगा और खासकर दुआ करें कि हमारे देश या दुनिया से कोरोना खत्म हो जाए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, और सारी जितनी सूचनाएं दी गई, इंफॉर्मेशन दी गई, बहुत अच्छे अच्छे इवेंट आने वाले दिनों में होंगे, तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके जरिए से परमेश्वर ही की महिमा होने पाए। और अभी सॉरी पादे साहब, मैं भूल गया कि संडे स्कूल का भी कंपटीशन होने जा रहे हैं, क्योंकि डाइसन संडे स्कूल कमिटी ने डिसाइड किया है, पर वो उसका रूल्स रेगुलेशंस बनाकर शेयर करेंगे, पर संडे स्कूल के बच्चों के लिए भी कॉम्पिटिशन हैं और वो भी तैयार रहे। तो ये जो आने वाले दिन है वो शायद हम सबको बहुत ऑक्यूपाइड रखने वाले हैं, तो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सबको अच्छी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और ऐसे इवेंट्स के अंदर दाखिल पार्टिसिपेट करने की हिम्मत सामर्थ्य और साधन प्रोवाइड करें। ये वक्त होगा कि हम परहित प्रार्थनाओं में जाएंगे, और आज भाई बिट्टू मसीह जो खेमकर्म से हैं वो करने उनको ये दिया गया थी जिम्मेदारी, अनफॉर्चुनेटली उनके ब्रदर इन लॉ एक्सपायर हो गए, तो उनके लिए भी परिवार के लिए भी प्रार्थना करेंगे, और बाकी जो भी रिक्वेस्ट आई हैं उनके लिए, और मैं दरख्वास्त करूंगा मिस्टर डैनियल बी दास से कि वो प्रार्थनाओं में हमारी अगुवाई करें। मिस्टर डैनियल बी दास भाई, हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, महान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि तूने तक हम सबको समत और जिंदों की धरती है। हाय परमेश्वर, जो भी प्रार्थनाएं याचनाएं आपके सामने हम पेश करते हैं खुदावंदा, उनको वो तेरी मंजूर नजर हो। पेश करते हैं आज तेरा पाक मुकद्दस दिन, जहाँ पर भी तेरा कलाम सुनाया गया और सुनाया जाएगा वहां पर तेरी खास बरकत हो, और जितने रूहों को सुनाया गया वो अच्छी जमीन की तरफ आए। विशेष करके इस वर्चुअल सर्विस में जितने लोग शामिल हैं आए प्रभु, तो हरेक को नाम राम आशीष दे, बरकत दे, और होने दे प्रभु के तेरी क्रॉस जो हमारे लिए सल्वेशन का जरिया है और केवल यही जरिया है, उसके द्वारा हम सब एक हो जाएं। प्रभु हम आज के वक्ता के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं, डॉक्टर लाइन के लिए और तेरे प्रवचन के लिए, तो अपने इस बंदे को और भी आशीष दे ताकि तेरे नाम के प्रचार को और आगे बढ़ा सके। आए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन के लिए जिन्होंने कोरोना की वजह से अजीज को खोया है, जिन्होंने अपने रोजगार है, आए प्रभु परमेश्वर उन सबको जो घटी कमी हुई है उनकी भरपाई का आशीष दे, और उनको ये जो भी उन्होंने खोया है उसको बर्दाश्त करने की हिम्मत और अकल और दनाई दे। आए प्रभु परमेश्वर बराबर हाथ बढ़ा करके इस महामारी को रोक, तुम महान अनुग्रही और परोपकारी पिता है, तू दया का सागर है प्रभु, तो अपनी सृष्टि को बर्बाद होने से बचा सकता है, अपनी बड़ी कृपा से इस महामारी को रोकी। आए प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते तमाम बीमारों के लिए जो घरों में है या अस्पतालों में है, तो प्रभु उन सबको अपने पवित्र हाथ से छु। विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं भाई सुनील के लिए जो जिनको पैरालिटिक अटैक हुआ है, मिस्टर गॉडविन गिल के लिए जो बीमार हैं, और भाई जयदीप के लिए जिनको क्लॉट की प्रॉब्लम है, और प्रभु विल्सन के लिए भी प्रार्थना करते हैं
जिसको लीवर की प्रॉब्लम है, आए प्रभु परमेश्वर, चाहे हम जितना मर्जी डॉक्टर्स का इलाज कर, लेकिन शिफा तेरी तरफ से है। अपनी बड़ी कृपा से इनको अपने पितर और शिफा भरे आयुषु और इनको तंदुरुस्ती प्रदान कर। आए प्रभु परमेश्वर, तू बहुत अनुग्रही पिता है। आए यीशु, तू ला तब्दील है, तू जो था, जो है और हमेशा तक रहेगा। तूने बीमारों को चंगा किया है, तू अपने इस जोरावर हाथ को उठा करके इन अपने बच्चों के ऊपर रहम कर, उनको तंदुरुस्ती दे। हमारी तमाम कमजोरियों को दूर कर, हमारी तमाम जरूरतों को कर, ये सब कुछ मांग तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह से। आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना में शामिल होंगे और उसमें हमारी अगुवाई करेंगी बहन आइलिन हंस, जो एपिफनी चर्च छियाटा की सदस्य है। आइए हम खुदा के सिखाई हुई प्रार्थना करेंगे। ऐ हमारे पाप जो आप आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी हमें बख्श दीजिए, हमारे कसूरों को माफ़ कीजिए जैसे हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दीजिए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपके हैं। आमीन। अब हमारे खुदावन जिसमें इसका फजल खुदा बाप की मोहब्बत और पाखरू की शरकत हमें सबके साथ हमेशा तक होती रहे। आमीन। थैंक यू रेवेंड आई डैनियल एंड सबको जय मसीह की। स्पेशल थैंक्स टू कम्युनिकेशन टीम जो कि पूरा वीक काम करते हैं, सिर्फ यहाँ की रिकॉर्डिंग नहीं पर बाहर के भी कुछ बच्चों का रिकॉर्डिंग, अमृतसर में कभी कभी तो ये गांव भी जाकर रिकॉर्डिंग करते हैं। तो स्पेशल थैंक्स। आप में से कुछ कांटेक्ट किया था प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए, आशा करता हूं कि जिस के लिए किया था उसका फल आपको मिल रहा है और अभी भी चाहिए तो जरूर आप प्रेयर रिक्वेस्ट ग्रुप में भी डाल सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझे भी आप देना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। या तो इट इज फोटो टाइम, सो गेट रेडी। मैं मां करता हूं कुछ लोग जो है सिर्फ फोटो के टाइम पे वीडियो ऑन करते हैं, बाकी बिल्कुल ऑफ करके रखते हैं। I mean, किसी को यह डर है कि फोटो मिसयूज है, होगा कुछ होगा, तो आप कॉन्टेक्ट कीजिए बिकॉज विदाउट योर कंसेंट कि आपका फोटो हम कहां भी नहीं देंगे, उसको ब्लैकआउट कर देंगे। सो इफ यू हैव एनी डाउट कि मेरा मेरी फोटो मिसयूज हो सकती है तो आप जरूर मुझे या कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट कहिए ताकि आपका फोटो को, जिसे मैंने कहा कि हम ब्लैकआउट कर देंगे, पर मैं तो देखना चाहता हूं ना कि आप हो। ओके, so we start taking photos, communication department you also do, okay. Alma, look at the camera, and Vidu, okay, 1 2 3 next. So next week it will be Sunday school, so I think the Sunday school people are ready. Sunday school convener, Reverend Samuel, are you there? I think he has gone to a burial probably. Yes. Yeah. Okay. So God bless you. You can greet each other. Shakti. Yes, sir. Kar diya. Good evening, Naira.
गुड आफ्टरनून पादरी राजू जी, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग बिशप सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ओबी भैया, गुड इवनिंग बिशप सर, माइकल हाउ आर यू, या फाइन सर, डीएमसी की थैंक यू, आज अब दोनों निधि हैं, अब बंद कर दिया, या Good evening, Bishop sir. I'm really happy to see you. Okay, friends. Enjoy the week. Bye, bye, Papa. Okay, bye-bye. Bye-bye. Bye. Bless you. Bye-bye. Bye-bye.